नई बाइक है गाइस, अभी तक ना इसको नंबर प्लेट भी नहीं आई मेरी, सभी प्रॉब्लम आ रही है। सो हेलो दोस्तों, मिलकर आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये वीडियो मैंने बनाना चाहता था, लेकिन जो मैंने बाइक खरीदी थी, यहाँ देख सकते हैं आप मेरी पल्सर N250, तो उसमें थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही थी, तो मैं सोचा कि आपको मैं बता दूँ। देखो अभी तक इसको नंबर भी नहीं मिला, तभी उसको थोड़ी सी दिक्कत आना चालू हो चुका है। यहाँ भी दिक्कत क्या है मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, एक मिनट। तो ये मेरी जो डिस्क ब्रेक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से इसके अभी फिर से ना ऑयल लीक हो रहा है शायद, इसकी वजह से पूरे डिस्क पर ये सारा ऑयल लगा हुआ आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो एग्जैक्टली किसके वजह से हो रहा है वो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन ना जब मैं ब्रेक दबाता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली जो टायर है वो लॉक हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, तो इसकी वजह से मुझे दिक्कत तो आ रही है। अभी मैं फिलहाल मैं अपने ऑफिस जा रहा था, तो ऑफिस जाते जाते ही मुझे दिक्कत आ रही है। तो अब पहले मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, शोरूम जाकर इसको दिखाना पड़ेगा एग्जैक्टली इससे क्या प्रॉब्लम हुई है, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, मतलब बीच सड़क में अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये दिक्कत आ रही है। अचानक से मुझे ना थोड़ी सी कट 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 जैसे आवाज़ आने लगी, और जब मैंने गाड़ी रोकी तो देखा तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे फेस हो रही थी। आई होप ज़्यादा खर्चा ना करे, क्योंकि अभी इसके तो वारंटी वारंटी कुछ नहीं होती, और इसकी पहली सर्विसिंग भी हो चुकी है मेरी, तो अभी देखेंगे क्या हुआ है इसको। सिर्फ इस डिस्क ब्रेक को और जो ये बेस है ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर इसका जो प्रॉब्लम आया तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा। तो अभी चलो वीडियो भी इसके बहाने बन जाएगी। नौ बज के 17 मिनट हो चुके हैं, 10 बजे मुझे वापिस जाना पड़ता है। अगर अभी गाड़ी और कुछ प्रॉब्लम आ गया ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। तो अभी धीरे धीरे जाएंगे, पहले अभी इसका जो शोरूम था, मतलब जिससे मैंने बाइक खरीदी, वो अभी इंदापुर में है, और अभी मैं टेम्पुर ने रोड पर जा रहा हूँ, तो मुझे अभी जो अखिलेश में शोरूम है उनको ही दिखाना पड़ेगा। आई होप उनको इसकी प्रॉब्लम समझ आए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा भाई। नई बाइक है गाइस, अभी तक ना इसको नंबर प्लेट भी नहीं आई मेरी, सभी तो प्रॉब्लम आ रही है, मतलब प्रॉब्लम भी कैसा है ना मालूम भी नहीं चला, मतलब थोड़ी सी मुझे ऐसे कट 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 से आवाज आने लगी फ्रंट ब्रेक से, तो मैंने उतर कर देखा तो वो पूरी तरह से ऑयल लीक हो चुका था, और पूरे डिस्क ब्रेक पर ऑयल लगा हुआ है पूरे। ज्यादा खर्चा मत करना सिर्फ भाई, दूसरा कुछ नहीं, आगे निकल सकते थे। तो बस मैं इसका बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि ये बाइक बुरी है, बाइक सच्ची में अच्छी है, इसका इंजन अच्छा है, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन वो फ्रंट ब्रेक को क्या हुआ है ना, आई थिंक मैंने जो उसको ब्रेक वगैरह लगाया होगा तो इसकी वजह से वो शायद लीक हो रहा होगा, मे भी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे इसमें अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं थी। वो भी जाम चल रहा है थोड़ा सा चक्का, जब मैंने घुमाया ना उसको तो थोड़ा सा जाम चल रहा है उसका चक्का, लेकिन दिक्कत नहीं आ रही अभी तक मुझे कोई, मतलब ऐसा पूरे तरह से लॉक हुआ नहीं है अभी तक वो। तो आज पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ इस वॉइस की वजह से, आप मेरे जो मैंने माइक लगाया ना उसका वॉइस की थोड़ी सी क्वालिटी लो है मुझे मालूम है, और उसे मैं फिक्स करने वाला था तभी मैं मोटो ब्लॉगिंग चालू करने वाला था, लेकिन ये अचानक मुझे प्रॉब्लम सामने आई, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि इसका भी एक ब्लॉग बनाए, आपको कोई हेल्प हो अगर आप भी N250 बाइक खरीदना चाहते हो तो इसकी वजह से ही। अभी उस मोबाइल को क्या हुआ, कुछ नहीं मैसेज आया था, लेकिन ठीक है। बाइक में पिकअप तो इतना है ना, मतलब सिर्फ थ्रॉटल देने की जरूरत है, भाग जाती है डायरेक्ट, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको धीरे धीरे चलाओ हो सके उतना, क्योंकि सामने वाला चक्का थोड़ा सा जाम चल रहा है, मतलब थोड़ा सा कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन चल तो रहा है ना भाई। सो फाइनली अभी हम माई नगर पे इंटर हो चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा काम है 5 मिनट का मेरा, तो वो कर निकलेंगे यहाँ से, सीधा शोरूम जाएंगे। टेप आज मानो सर आने वाले है ना, आने वाले आज हो गए ना सब, ओके ठीक है चलो। All right.
सब ऐसे देख सकते हैं, ये पानी की टाकी इधर बन रही है। तो आपको मेरा काम क्या है अभी तक मालूम नहीं होगा, तो एक दिन आराम से बताऊंगा कि मैं एग्जैक्टली काम क्या करता हूँ। आज तो इसकी दिक्कत है मुझे, ज़्यादा खर्चा मत कर भाई, पहले से जेब खाली हो चुके हैं अभी मेरे तो। फाइनली में तो इंटर हो चुका हूँ, जैसे तैसे कुछ दिक्कत तो नहीं थी, सच्ची कह रहा हूँ। अभी तक मुझे मतलब अगर देखा जाए, अगर मैं सामने जाकर देखूँ तो मुझे लगता है कि भाई कोई तो प्रॉब्लम है, लेकिन गाड़ी चलाते तो कोई दिक्कत मुझे नहीं आ रही, क्योंकि मैंने फ्रंट ब्रेक को अप्लाई नहीं किया जब से मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो अभी आ गए हम शोरूम पर। अरे यार बंद है शोरूम, ये देख सकते हैं आप, अभी तो बंद है, कोई तो आया है यार। फिटर आया है, फिटर आया है, फिटर आया है। तो जस्ट अभी अभी यहाँ पर उन्होंने अपनी शॉप ओपन की है, शॉप नहीं शोरूम। गेलो कुठं तिथं, चिटकून गेला असला वास पण तसंच। दुसरं काही विषय नाही ना मोठा लट, हा गोड गोड येतोय वास। डिस्कला वगैरे काही प्रॉब्लेम नाही आला त्याच्यामुळे, निघन का ते। तो गाइस अपना काम तो यहाँ पर हो चुका है पूरा, जितना मैंने सोचा था उतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन थी थोड़ी सी, क्योंकि जब उन्होंने पूरा ब्रेक खोला मेरा ना, तो पता चला कि भाई किसी ने तो ना, एक मिनट पहले इधर से निकल दे, हाँ तो पता चला उन्हें कि किसी ने तो जो ब्रेक थे ना डिस्क ब्रेक, उस पर चिंगम लगाया है, मतलब पूरी तरह से वो ग्रीस या कोई ऑयल वगैरह नहीं था, वो चुंगन था, वो पूरे डिस्क पर फैला हुआ था वो। अब बड़ी मुश्किल से मतलब एक घंटे से वो उसको ही निकाल रहे थे, मतलब अभी मैं गांव गया था, शायद किसी ने मस्ती मस्ती में लगाया होगा शायद, क्योंकि मैंने जब उनसे पूछा कि रोड से उड़ कर वो चुंगन लग सकता है क्या, तो उन्होंने मतलब ना ही बोल दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता बोले कभी भी, क्योंकि डिस्क के अंदर तक वो गया था पूरी तरह से। मतलब गांव के लोग मेरे को ब्लॉग देख रहा है तो सुनो भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, बहुत बड़ा खर्चा होता मेरा। कम से कम मैंने पूछा उसका रेट तो 2000 रुपये की डिस्क मिलती है बोले वो। देखो अभी कोई दिक्कत नहीं, एक बार गाड़ी भगा कर ब्रेक लगा कर देखता हूँ यार, थोड़ा सा मुझे ब्रेक तो इतने अच्छी तरह से फीडबैक नहीं दे रहा फ्रंट का ब्रेक, नहीं तो पहले जैसे मैं दबाता ना तो गाड़ी रुक जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। ABS तो किकिंग कर रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। ABS मुझे सबसे ज़्यादा चिंता ABS की थी, अगर ABS का कुछ मैटर हो गया ना तो बहुत बड़ा खर्चा होता, लेकिन ABS ठीक ठाक है इसका।
पा दे एबीएस ओके, लेकिन ब्रेक थोड़ा सा मुझे लूज है कर रहे हैं। ठीक है, जो हुआ तो हुआ, अच्छा हुआ कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं किया, मतलब बाइक की कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। खाना खाने बजाज बाइक कोस रहा था, बाइक अच्छी है लेकिन मेरे जो गांव वाले लोग हैं ना वो अच्छे नहीं है, तो किसने लगाया क्या मालूम, लेकिन नहीं करना चाहिए ना इसे। तो ठीक है अभी निकलता हूँ, 11 बज चुके ऑलमोस्ट, अभी काम पर जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर थोड़ा सा डांट खानी पड़ेगी सिर पे। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी किसी अगले वीडियो मिलने का वादा करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। ओ एक मिनट, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब और कहना भूल ही गया था, वो तो हमारे जन्म सिद्ध हक है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए। बस आज के लिए इतना ही।